नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज आई जस्ट लव ब्लॉगिंग। तो मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था कैजुअल रैंडम ब्लॉग करने का, एंड हियर आई एम। तो मैं बस अभी चाय लेके बैठी हुई हूँ, जाननी भी उठ गई अपने बियर्ड से बालों के साथ, एंड या आई एम जस्ट गोना हैव माई ब्रेकफास्ट और फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो शान। यस गाइस, अभी सुबह के सिर्फ 11:30 बज रहे हैं और हम इतने वेले हम सुबह 11:30 बजे लूडो खेलने बैठे हैं और सिर्फ मम्मी का सिर्फ खुला है एंड इट्स लाइक काफी आगे बढ़ाई हैं, काफी आगे या गाइज द वर्स्ट थिंग अबाउट समर इज ये गर्म पानी। एक तो हम इतने ज़्यादा लेट उठते हैं, उसके बाद नहाने का कोई ठिकाना नहीं होता है और इतना ज़्यादा गर्म पानी आ रहा होता है ना, इतना ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, यू कांट इवन इमेजिन। यूजिंग वॉशरूम इज सो डिफिकल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। हेलो गाइज, आई जस्ट टुक शावर। शक्ल देख के कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा है, पर ना मुझे ना नहाने के बाद थोड़ा बेटर फील होता है, पर वो जो प्रोसेस होती है ना कि यार नहाना पड़ेगा, नहाने जाना पड़ेगा, ना नहीं जरूरत तो नहीं लग रही, पर फिर मम्मी आ जाती है, नहाया नहीं तो खाना नहीं दूंगी। तो इसलिए मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों के नहाने का और सोने का शेड्यूल कैसा चल रहा है। लाइक माई स्लीपिंग शेड्यूल इज लाइक एफ्ड अप, कुछ ठिकाने ही नहीं है मैं कब सो रही हूँ कब उठ रही हूँ। मैंने इतना ज़्यादा फ़ोन चला लिया है ना कि अगर ये सचमुच चल रहा होता ना तो अभी तक वुहान पहुँच गया होता। प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब, बाय मम्मा। आज हम दोनों मैचिंग कर रहे हैं वो पता है कैमरा चालू था तो मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा है, वरना एक तो बजता पक्का। सो गाइज लेट्स हैव लंच। मेरे पास वाकई कंटेंट खत्म हो चुका है। लास्ट ईयर हम इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में सांगला वैली में थे और अभी जानवी फोटोज वगैरह दिखा रही थी एंड आई जस्ट फील सो बैड। बट एनीवेज गाइस, आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड एडिटिंग माय वीडियो, जो होपफुली मैं आज रात तक अपलोड कर दूं, आज शाम तक अपलोड कर दूं। आई एम जस्ट ट्राइंग, एडिटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड यस, दोपहर हो चुकी है, सारे लोग सो रहे हैं, मतलब सबकी स्लीपिंग पैटर्न इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, अब सबको डार्क सर्कल्स ना ओवर स्लीपिंग की वजह से हो रहे हैं। सो या अन्नी बैठ के डॉग्स की वीडियोस देख रही है और जानवी का पूरे लॉकडाउन में यही काम है। पूरे लॉकडाउन में इसने अपनी जान लगा देनी है मम्मी पापा को मनाने में कि प्लीज़ कुत्ता दिलवा दो, बिल्ली दिलवा दो, कुत्ता दिलवा दो, बिल्ली दिलवा दो। हेलो गाइस, सो आई एम जस्ट एडिटिंग हियर। ये मेरे नाश्ते पानी का इंतज़ाम है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितनी बुरी हालत हो रखी है। ये मेरे ईयरफोन्स हैं जिसका सिर्फ एक कान वाला चलता है, जिसे मुझे इस तरीके से यूज़ करना पड़ता है। इसको ऐसे कर दो तो चल जाता है, इसे ढीला हो जाता तो नहीं चलता है। सेम केसेस विथ माई चार्जर, आई होप यू गाइस कैन सी दैट। मतलब मैंने ना लॉकडाउन से पहले ये सोचा था बस अभी लेना है फ़ोन और ईयरफोन, और मेरा लेमन हो गया है बहुत ढंग से। ईयरफोन्स और फ़ोन सभी कुछ नया लेना था और अब तो पता नहीं क्या कब कैसे होगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ईयरफोन्स अगर आपका एक चलता हो ना, इट इज़ सो एनॉइंग। गाइस जानवी हैज मेड सम यमी फ्रेंच फ्राइज। जा चाय बना के ला, बाल ठीक करके आ पहले। हमेशा बोला है कि अगर YouTube फ्लॉप हुआ तो मेरे पास, जो आप लोग पूछते ना कि इज़ यूट्यूब माई फुल टाइम जॉब राइट नाउ, येस, बट जिस दिन आप लोगों ने वीडियो देखना बंद कर दिया, चाय की टपरी विल बी माई फुल टाइम जॉब, क्योंकि मैं वही एक काम है जो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। लॉकडाउन में मेरे दिमाग के साथ मेरे गैजेट्स और सारी की सारी चीज़ें खराब हो चुकी है, सब इसके बाद मेंटेनेंस में जाएगा, इंक्लूडिंग माई ब्रेन। Thank you.
जानवी ने कुछ दिनों पहले नायका से कुछ सामान मंगवाया था, तीन दिन पहले मंगवाया था जो एक्चुअली कल डिलीवर हो गया था। तो उसको 24 आवर्स रखने के बाद आज जानवी ने फाइनली उसे खोलिया और नायका वालों ने जानवी को एक लिपस्टिक और क्या जानो एक ग्लैमर आई कुछ ये भी फ्री भिजवाया। अब जानवी पागल हो रखी है, जानवी का दिमाग ठिकाने नहीं था जब तक वो पार्सल रख के सैनिटाइज किया जा रहा था, सैनिटाइज नहीं किया मतलब उससे से दूरी बना के रखी जा रही थी, जानवी बावरी हो रखी थी देख सकते हो कटोरा कट बालों के साथ। पता है अगर जानवी कुछ न्यूड लिपस्टिक्स मंगवाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, पर जानवी मंगवाती नहीं, जानवी अजीब गरीब कलर मंगवाती है। मैं अभी आप लोगों को नहीं, तू पसीने वाली है छी, मेरा नया नया मेकअप ये मुझे भी देना क्या कर मम्मी छी ये कैसा है जानवी दीदी तू पागल है मैं बंदर लग रही हूँ तुझे आटा बंदर है अनार का जैसा पोती लिया तो एवरीवन वाज आस्किंग मी टू डू अ मेकअप लुक और मेकअप ट्यूटोरियल मस्त कवरेज वाला है क्या कवरेज वाला ये बंदर बनाने वाला है ये मेरी स्किन से बहुत ज्यादा लाइट है मैं मुंह धुल के आई हूँ और इतना गर्म पानी आ रहा था और मैंने मुंह भी ढंग से नहीं धुल पाया। गाइज आज के दिन ये डिसीजन लिया गया है कि आज मैं मेरी किताबें बाहर निकालूंगी और मैं पढ़ाई शुरू करूंगी। वैसे मई में मेरी एग्जाम्स होने वाली थी MBA की, तो मुझे अभी एग्जाम दे रही होती तो ऑब्वियसली पढ़ रही होती, पर अभी मेरी किताबें मतलब मैंने छुई भी नहीं, अंदर ऐसे पैक्ड रखी हैं। तो इस व्लॉग में हम किताबें निकालेंगे, अगले व्लॉग में हम पढ़ाई करेंगे। ओके लेट्स प्ले लूडो। मदर्स डे पे मुझे इसके साथ एक प्रॉमिस करना चाहिए था, मैं उस चीज के लिए बड़ी रिग्रेट फील कर रही हूँ कि ये नहाने में बहुत कच्ची, जब से लॉकडाउन हुआ तब से एक पर भाई तो ये तो अभी कैमरा चालू हो गया है तो बहुत इज्जत से मुझसे बोला गया, अगर कैमरा ऐसे सीक्रेटली रख दिया जाता। मेरी बुक्स इस वाले व्लॉग में निकाल ली हैं, मैं बस मेरे सच्ची कसम से बता रही, मुझे पता भी नहीं था इसके पास बुक्स है। हाँ तो तुझे तो ये भी नहीं पता था कि तेरे बाल कटने के बाद ऐसे लगने वाले हैं। मुझे नहीं पता था। हाँ एंड गाइज बाय द वे आई एम ऑल्सो सपोज टू राइट माई असाइनमेंट्स जो एक्चुअली मुझे मार्च में सबमिट करने थे, पर लॉकडाउन की वजह से हम तो लास्ट मोमेंट तक का वेट करते हैं तो लॉकडाउन की वजह से हम बच गए। सो अभी देखते हैं ये सारी चीज़ें, अगले ब्लॉग में मैं असाइनमेंट्स लिखती हुई मिलूंगी। तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अगली वीडियो को ज़रूर देखना मुझे असाइनमेंट लिखता हुआ देखने के लिए, उसमें क्या मजा आएगी। तुम तो बोल रही हो कुछ करने वाली है नहीं, जिस दिन ब्लॉग करना होता है ना उसी दिन बुक्स निकालती है और सारे काम करती है और मैं गिर जाऊंगी। हाँ और ये अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन तो ऐसे ही की है, बुक निकालने। मम्मी को चश्मा मिला, मम्मी को चश्मा मिला। So this is my outfit of the day, outfit of the night, outfit of the week and outfit of the year with some mango ke daag. And yeah, abhi bas shaam ho rakhi hai, shaam ho rahi hai to abhi hum terrace pe jaane wale hain. Let's go. Mujhe bahut maza aati hai aise chhat pe ja ke aise baithna, games khelna. So yeah, let's go. Enjoy this time. मैं अभी से लेकर रात के 12 बजे तक यही बैठी रहती हूँ। I just stare at moon and I just write something. I just feel better doing that. So yep, हम ना इस टेरेस पे कभी भी नहीं आते थे लॉकडाउन से पहले, हमें पता भी नहीं था कि हमारी टेरेस दिखती कैसी एक्चुअली, मतलब ये तो मैंने एग्जैजरेट कर दिया वैसे, बट लॉकडाउन में हमें टेरेस बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। वेलकम टू शायरी विद गोपाली। जानवी खेलती रहती है पबजी, वो तो करो मम्मी यार आप लोग भूल जाते हैं। आगे की लाइन क्या थी मैं भूल गई, नहीं मैं बताती हूँ। जानवी खेलती रहती है पबजी, मम्मी कहती है फूटे मेरे करम जी, क्यों भाई जानवी खेलती रहती है पबजी, आती नहीं इसको शर्म जी, जानवी खेलती रहती है पबजी। बहुत अच्छी शायरी थी गाइस, अगर आपको शायरी अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए।
हेलो गाइस, आई जस्ट गॉट डन विद माय वर्कआउट और अब हम मम्मी के पास जाएंगे। मम्मी के पास क्या जा रही? जानवी को पसीना चिपकाना। जी आराम, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा वाला पसीना है मेरा, मजाक नहीं कर रही हूँ, एकदम ऐसे नीट एंड क्लीन एंड स्वच्छ। हाँ, बहुत मेहनत से निकाला है। हाँ, बहुत मेहनत से। हमारी डांट पड़ चुकी है, अब हम ना ही लेते हैं। पूरे घर वाले सिर्फ जानवी को ही प्यार करते हैं। बाय गाइस, आप लोग मुझे प्यार करते हो तो लाइक कर देना। बाय, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना। इट वॉज एक्चुअली अ पॉइंटलेस व्लॉग बट स्टिल लाइक कर देना। कमेंट करके बताना आपको और ऐसे पॉइंटलेस व्लॉग देखने हैं या नहीं। एंड आई एम गोना मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक बाय, ठीक है। Bye and thank you so much for all your love and support. I'm always grateful to you guys. Ta-da!